हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएसए यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। आपको ये तो पता ही है, स्वस्थ तन होगा तभी हमारा जीवन सुखी होगा। हम स्वस्थ होंगे तभी हम किसी काम को आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। स्वस्थ तन से तात्पर्य क्या है? हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमें किसी भी तरह का कोई रोग ना हो, है ना। वो कैसे मिलता है? जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं, जब हम हेल्दी फूड लेते हैं, तो उससे हमारा तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन, जब हमारा तन स्वस्थ होगा तभी हमारा हंसने का, खेलने का, गाने का, पढ़ने का मन करेगा और हमें नींद भी अच्छी आती है, सब कुछ हमें अच्छा अच्छा लगता है। तो आज हम यही चैप्टर इसमें, इसी पाठ में ये पढ़ने जा रहे हैं। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे, मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठोगे तो दो बात सीखोगे, तोशी, बिट्टू, हनी, तीनों चलो बाहर। अब क्या था, बच्चे तोशी, बिट्टू, हनी किसके पास बैठे थे? दादाजी के पास। दादाजी के पास नहीं बैठे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। आजकल बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल पर कंटिन्यू गेम खेलते रहते हैं। बड़ों के पास बैठते हैं तो हमें कुछ उनके पास बैठने से कुछ सीखने को अवश्य मिलता है, तो हमें हमेशा बड़ों के पास बैठना चाहिए। इसी तरीके से सुषमा ने आकर उन तीनों बच्चों को डांटा और कहा, तुम तीनों यहाँ गेम खेल रहे हो, वीडियो पर गेम खेल रहे हो, इस पर तुम्हें क्या मिलेगा? दादाजी के पास बैठोगे तो कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। क्या कहा बच्चों ने? कल दादाजी ने हमको जो कहानी सुनाई थी उससे हमने बहुत सारी बातों की सीख ली थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। जब दो बच्चे किसी बुजुर्ग के पास, बड़ों के पास आकर बैठते हैं तो अपने आसपास जो रहने वाले बच्चे होते हैं वो भी सोचते हैं, पता नहीं दादाजी क्या बता रहे हैं। कहानी सुनने का शौक सभी को होता है ना, तो वो दो बच्चे भी, तोशी और अन्नू भी वहां आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के बच्चे तो खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर आने लगी। ऐनक के फेरे मतलब ये जो ऐनक है, ऐसे करके ऐसे देखने लगे दादाजी, है ना। देखने लगे तो क्यों देखने लगे थे बताइए? दादाजी की आंखें ऐनक से बाहर क्यों आ रही थी? क्योंकि तो उनके किराएदार के दोनों बच्चों के हाथ पांव कैसे थे? गंदे थे, इसलिए। अच्छा बताइए, अब हम जो हमने ये पढ़ा, हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। दादाजी कहाँ बैठे थे? हाँ बताइए। दादाजी मुड्डे पर बैठे थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? हाँ बताइए। सीखने को मिलेगा, दादाजी के पास बैठोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। किराएदार के बच्चों के क्या नाम थे? हाँ कोमल, किराएदार के बच्चों के नाम थे खुशी और अन्नु। दादाजी की भौहें क्यों तन गई थी? क्योंकि हाँ बताइए, क्योंकि किराएदार के बच्चों के, खुशी और अन्नू के हाथ पांव दोनों ही बहुत ही गंदे थे, इसलिए। अब है हमारा वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी,
अच्छी बात है सफाई। दादाजी ने क्या कहा? गंदगी बात, हाँ गंदगी बुरी बात है और अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें आसपास का वातावरण क्या करना होगा? साफ रखना होगा, तभी हमारे घर में साफ सफाई रहेगी और हम स्वस्थ रह पाएंगे। ये किसने कहा? दादाजी ने। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ रहोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, सुबह तरोताजा उठते हो, हर काम फटाफट करते हैं, आलस हमारे पास तक नहीं फटकता। आलस है ना, यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें क्या आने लग जाता है? आलस आने लग जाता है ना, आलस आता है। और हम तबियत मतलब जरा सा भी ऐसे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी तस्वीर में दर्द हो रहा है या अनफिट से महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? कोई हंसाना भी चाहेगा तो आप हंसोगे नहीं, किसी से बोलने का मन नहीं करेगा, नहीं होता ऐसा? होता है आप लोगों के साथ? सभी के साथ होता है। तो किसी को भी स्वस्थ नहीं होते हैं तो ये मन नहीं करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, बताएंगे। दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? बताओ। किराएदार के बच्चों को देखकर कहा कि गंदगी अच्छी बात है सफाई। दादाजी ने किसे शाबाशी दी? किराएदार के बच्चों को। क्यों दी थी शाबाशी? क्योंकि वो हाथ पैर धोकर आ गए थे, इसलिए दादाजी ने उनको शाबाशी दी थी। अब है, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है। बच्चों ने क्या कहा? अब दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने कहा था, यदि आप तंदुरुस्त रहोगे तो नींद अच्छी आएगी, हंसने हंसाने खेलने का मन करेगा। अब बच्चे बोले, बच्चों ने कहा कि हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है। अब बिट्टू बोला, ये कौन बोला? बिट्टू बोला कि हाँ दादाजी जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें खाना खाना भी अच्छा लगता है और हर खाने में स्वाद आता है। बिल्कुल सही कहा, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही भूख लगती है ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती है। और क्या आती है? उबासियां। अब दादाजी ने क्या कहा बच्चों से? यदि आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपका खाना भी जल्दी पच जाता है ना, खाना भी डाइजेस्ट अच्छी तरह, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छी तरह वर्क करता है और आपको भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है ना, नींद भी अच्छी आती है। सुबह जब आप उठते हो तो एकदम फ्रेश उठते हो। ये सब बातें कब होती है? जब आप ठीक रहते हो। यदि आप ठीक नहीं हो, यदि आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अस्वस्थ हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको नींद नहीं आएगी, ना भूख लगेगी और आप कैसे हो जाओगे? चिड़चिड़े हो जाओगे, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी होने लगेगा। आप जब भी उठोगे ना सुबह, तो आपको क्या आती रहेंगी? उबासियां आती रहेगी।
है ना, और 24 घंटे मतलब आपको क्या लगेगा, अरे मैं तो सो जाऊं, अरे मैं तो सो जाऊं, नींद ही नींद आती रहेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले शरीर को साफ रखें। शरीर को साफ रखने के लिए हमें क्या हो करना होगा, नहाना धोना होगा, डेली नहाना होगा, नाम को धुले हुए कपड़े पहनने होंगे, ठीक है ना। ढील डेली टाइम से जल्दी उठ के हमें नहाना होगा और साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। अभी आपको पता है पसीना, पसीना आता है ना बहुत ज्यादा, पसीने में क्या होते हैं, छोटे छोटे जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, है ना, कीटाणु होते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। आपको जब आप नहा लेते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है, और नहा के जब धुले हुए कपड़े पहनते हो, साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, तो और भी तरोताजगी सी आ जाती है। फिर आपको क्या लगता है, फिर आपको नहा दो कैसे लगता है ना, अब खाना खाया जाए, भूख लगती है आप लोगों को। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। पसीने आते हैं, पसीने से मैल की, उस पर क्या लगती है, धूल लगती है, डस्ट लगती है। डस्ट लगने से क्या होता है, हमारे जो स्किन में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र का मतलब होता है छेद, छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए त्वचा के छिद्रों को खोलने के लिए हमें नहाना बहुत जरूरी होता है। ये तो आपको समझ में आया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। खाना कब अच्छा लगता है, हाँ, स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है। वेरी गुड, स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है और भोजन अच्छी तरह पच जाता है। सिट डाउन। तबीयत सही ना होने पर कैसा लगता है, पूर्वी, तबीयत सही नहीं होने पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदासी छा जाती है हमारे चेहरे पर और हमें उबासियां ही उबासियां आने लगती हैं। शरीर को नित्य प्रति प्रतिदिन साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान करना आवश्यक है। हमें स्नान का मतलब समझते हो, नहाना, नहाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रह पाएगा। हमारी स्किन पर जो पसीने से धूल के कण जो जम जाते हैं वो साफ हो जाते हैं और हमारे स्किन के छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं, स्किन के जो छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। बैठ जाइए। अब है आगे, उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। अब हनी ने क्या बोला, उफ, पसीने में स्मेल आती है ना, गंदी आती है, पसीना तो बदबू मारता है, हनी बोला। हाँ बेटे, इसीलिए हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए, और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए, रोज हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी, जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता है और हमारे दांतों में फंसी हुई गंदगी, जो भोजन के कण रह जाते हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं, जिससे आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। वो नहीं तो क्या करते हैं, हम रात को ब्रश नहीं करते, वो भोजन के कण हमारे दांतों में क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, बदबू मारने लगते हैं, फिर आपके मुंह से बदबू आती है,
ठीक है ना। तो इसलिए हमें नित्य प्रति दोनों टाइम सुबह और शाम को ब्रश करना चाहिए, ऐसा दादाजी ने समझाया। और हमें हफ्ते में दो बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। शौच के बाद हमेशा किससे हाथ धोना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो साबुन से मर जाते हैं। जी दादाजी, तभी बच्चे सब एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। आप नहा धोकर यदि मान लीजिए वही पसीने वाले कपड़े पहन लेंगे तो आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी, आपको लगेगा वो बदबू वाले कपड़े रहेंगे। और जब धुले हुए कपड़े पहनेंगे तो आप में अपने आप में अंदर से तरोताजगी महसूस करने लगेंगे। जहां तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें कभी भी बिना धुले नहाकर बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसमें हमारे पसीने के कीटाणु होते हैं, ठीक है। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? हमें नित्य प्रति ब्रश करना चाहिए, दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, और सप्ताह में दो बार नाखून भी काटने चाहिए। हमें धुले कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि धुले कपड़े पहनकर हमें ताजगी महसूस होती है। अब हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब हमने कपड़े और हमारा शरीर साफ सुथरा रखा है ना। अब उसके बाद हमें दादाजी ने क्या बताया? घर के बारे में बताया। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, दाहा बहु, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। दादाजी ने किससे कहा? सुषमा से कहा। सुषमा कौन थी? उनकी बहू। उससे क्या कहा? हाँ बहू, तुम सुबह क्या करते हो? झाड़ू लगाती है। मम्मी भी आपकी, आपके घर में झाड़ू लगाती है ना, सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है और पूरी डस्टिंग करती है। उससे क्या होता है? घर की साफ सफाई हो जाती है ना। झाड़ू लगाने से धूल मिट्टी सारी खत्म हो जाती है, पोछा लगाने से फर्श पर जितने भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों की धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाती है ना। सफाई नहीं होने पर नालियों में क्या हो जाती है? कीचड़ जमा हो जाती है, वहां भी कीटाणु पल जाते हैं। नालियां, यदि हम घर की नालियों को साफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नालियां साफ नहीं करने से वहां कीटाणु पनपने लग जाते हैं। कीटाणु पनपने लग जाते हैं और नालियां साफ नहीं होती हैं, तो वहां पर इसलिए हमें घर की नालियों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। दादाजी ने कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खुली धूप, आप लोग धूप में बैठते हो? धूप में भी बैठना चाहिए। खुली हवा में जाकर क्या करना चाहिए हमको? खुली हवा में जाकर बैठना चाहिए, जिससे हमें धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। खुली हवा में बैठने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को बहुत लाभदायक होती है, हमारे शरीर को आराम पहुंचाती है, ताजगी देती है हमारे शरीर में। इसलिए दादाजी ने क्या बताया कि हमें खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। क्या मिलता है हमें? विटामिन डी मिलता है। किससे मिलता है?
धूप से, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसको ही रोजाना सफाई होती हो। पानी को हमेशा कैसे पीना चाहिए? छानकर पीना चाहिए। पानी को कैसे पीनी चाहिए? छानकर पीने से क्या होता है, पानी के जो कीटाणु होते हैं वो कपड़े के अंदर ही रह जाते हैं और हमें साफ पानी मिल जाता है, ठीक है ना। पानी से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। यदि हम पानी, गंदा पानी पिएंगे, पानी साफ नहीं होगा, तो पेट की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड है, पेट दर्द है और पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, ठीक है। तोशी बोला, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। हमें कैसा पानी पीना चाहिए? हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। अब बताएंगे क्वेश्चन, धूप, हम धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। गंदगी होने का भय, किस बात, गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? हाँ, बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। गंदगी होने से बीमारी के कीटाणु फैलने का भय होता है। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और बताइए, अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? प्रतीक, अशुद्ध पानी पीने से हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमें अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं। अब दादाजी को बहुत देर हो गई थी बच्चों को समझाते हुए बहुत देर हो गई थी। अब सुषमा बोली, यदि आपकी बच्चों को समझा दिया हो सारी बातें स्वस्थ रहने के लिए, तो मैं आपका खाना लगा दूं। सुषमा की आवाज आई, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। अब भोजन के बारे में, किस किस के बारे में बताया? पहले तन के बारे में बताया, फिर किसके बारे में बताया? घर की साफ सफाई के बारे में बताया, फिर हमारे खाने पानी के बारे में बताया, फिर हमारे खाने के बारे में। अब बताते हैं दादाजी कि हमारा खाना भी कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिनाती हो कभी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर करने में समझदारी है। हमें फल और सब्जियां यदि हम खाते भी हैं तो उन्हें हमेशा वॉश करके धोकर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सब्जियां रखी रहती हैं तो उस पर मक्खी, मच्छर, कैसे भी कीटाणु बैठते हैं, इसलिए हमें उन सब फल सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। विद्यालय में कौन सी गोलियां दी जाती है? डी वार्मिंग। कौन सी गोलियां दी जाती है? डी वार्मिंग की गोलियां दी जाती है, जिससे पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वस्थ और तरोताजा रहते हैं, दादाजी कहते गए। अब दादाजी क्या कहते गए कि आयरन की गोलियों से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब
खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए, रोजाना खेल में रुचि लें, रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकेंगे। हमें हमेशा खेल कैसे खेलने चाहिए, जिसमें हमारी शरीर की पूरी कसरत होती हो, जैसे कबड्डी है, खो खो है, स्फूर्ति बनी रहती है, खो खो है, कबड्डी है, टेनिस है, तैराकी है, ये सारे खेल हमें खेलने चाहिए। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गई, दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, हमें हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, हर चीज को खुश रखना, हर चीज से खुश रहना चाहिए, कभी भी दिमागी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको चिंता को दूर करके हमें हर काम करना चाहिए, ठीक है ना। ना चिढ़े ना गुस्सा करें, यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, ना ही गुस्सा करना चाहिए, ना ही चिंता करनी चाहिए, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, कहा ना हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुद भी हंसते रहना चाहिए, हमें दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए, खुद हंसोगे दूसरे को हंसाओगे तो तुम्हारा भी स्वास्थ्य सही होगा और सामने जो जिसको हंसा रहे हो उसका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। अब है अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, क्या आवश्यक है, शारीरिक व्यायाम। और हमें किस तरह के खेल खेलने चाहिए, हमें हमेशा हमारे जिससे ज्यादा कसरत हो, शारीरिक व्यायाम हो, ऐसे ही खेल खेलने चाहिए। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनसे शारीरिक व्यायाम होता है, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी आदि कुछ ऐसे गेम हैं जो कि हमें खेलने चाहिए। हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ, ये किसने कहा, दादी जी ने कहा, हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है, अब आगे दूसरा पाठ पढ़ेंगे।